आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजा। पेयजल किल्लत को लेकर महिलाओं ने क्षेत्रीय लोगों संग लगाया जाम। बताया परसों से नगर निगम क्षेत्र प्रकाश नगर में नहीं आ रहा है पानी। बोले लोग पड़ रही है भीषण गर्मी, ऐसे में अगर नहीं मिलेगा पानी तो कैसे चलेगा काम। जी हां, बता दें फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र प्रकाश नगर में पेयजल किल्लत को लेकर परेशान लोगों ने क्षेत्रीय महिलाओं संघ ककरऊ कोठी चौराहे पर जाम लगा दिया। बताया कि परसों से पानी की समस्या है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, परसों से नगर निगम क्षेत्र प्रकाश नगर में पेयजल की किल्लत है। इसको लेकर वहां की महिलाओं ने ककरऊ कोठी चौराहे पर अपने क्षेत्र के लोगों संग एकत्रित होकर जाम लगा दिया और बताया पानी को लेकर काफी परेशानी है। परसों से पानी नहीं आ रहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फिलहाल मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। कब से पानी नहीं है, कब से पानी नहीं है? कौन से मोहल्ले से आई हो? कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? लेट हो गए, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उमा है ना? उमा? माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। आपकी चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर भी बहुत ही गुड़ा है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने एमजी रोड फिरोजाबाद। ओवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्ले वे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।